सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाला 66वां मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। ये सीजन का दूसरा मैच है जो कि बारिश में धुल गया। इसके पहले गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच 63वां मुकाबला बिना टॉस के रद्द कर देना पड़ा था। इस मैच के रद्द होते ही SRH और गुजरात टाइटंस को एक एक अंक आपस में बांटने पड़े। एक अंक हासिल करते ही हैदराबाद की टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 13 मैचों में उनके 15 पॉइंट्स हो गए हैं। हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। 13 मैचों में 9 जीत की बदौलत 19 पॉइंट्स के साथ केकेआर ने सबसे पहले प्लेऑफ में जगह बनाई थी। लगातार 4 मैच गंवा चुकी राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम है। 13 मैचों में उनके 16 पॉइंट्स हैं, जबकि 13 मुकाबलों में 14 अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 4 पर फिसल गई। 14 पॉइंट्स के साथ 5वें पायदान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ में एंट्री लगभग असंभव हो गई है। 12 अंक के साथ RCB 6वें पायदान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उनको चेन्नई को बड़े अंतर से हराना होगा। 12 अंक लेकर 7वें नंबर पर शामिल लखनऊ की टीम भी प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो गई है। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में शामिल गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई हैं।